We learn social studies. Class 5. Assalamu alaikum students. We are going to start unit number 1. Physical regions. Physical regions kya hota bachcho? Zameen ke bahut bade bade hisse jaise ke pahad, darya, sahara, samundar wagaira. Ye sab zameen ke physical regions hain. Jaise ke hum insano ka physical features kya hai? हमारी आंखें, हमारा नाक, कान, होंठ, ये सब हमारे फिजिकल फीचर्स हैं. इसी तरह ज़मीन के भी फिजिकल रीजन्स हैं. ये पहाड़, ये दरिया, समुंदर, सहरा, ये सब उसके रीजन्स हैं. रीजन्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. दिस मे बी नेचुरल, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटोस, डेजर्ट्स, प्लेन, ईटीसी. समटाइम they are grouped on the basis of their economic, political or cultural characteristics. Regions may also be created on the basis of ideology. बच्चों, आप जिस जगह पर रह रहे हैं ना, वो सबसे पहले बरयासम था. आप जिस मुल्क में रह गए, जिस जगह पर रह गए, ये सबसे पहले बरयासम था. यहाँ तमाम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, ये सब एक जगह पर रहते थे. उसके बाद क्या हुआ, इनको उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको जो है वो रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे कि जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ पे इंडिया बना दिया गया, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ पे उनको मुस्लिम कंट्री बना दिया गया. इसी तरह उनकी इकोनॉमिक, उनकी पोलिटिकल, उनकी कल्चरल चीज़ों को देखते हुए उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बना दिया गया. पाकिस्तान जो है वो इज़ इन एशिया, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. एशिया इज़ डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग 6 रीजन्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया. पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया. साउथ एशिया कंसिस्ट ऑफ 8 कंट्रीज. दे आर इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. पाकिस्तान जो है ना वो बच्चों एशिया के हिस्से में आया, ठीक है. और एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारी इस अर्थ का, हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा बरआज़म जो है वो एशिया है. और पाकिस्तान उस एशिया के हिस्से में आया. और इसीलिए एशिया जो था वो इतना बड़ा था, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया उसकी लोकेशन के हिसाब से. जैसे कि सेंट्रल एशिया बना दिया, ईस्ट एशिया बना दिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया. पाकिस्तान जो था वो इन सब में से साउथ एशिया के हिस्से में आया. साउथ एशिया की वाले पोर्शन में वहाँ पे जो है वो 8 ममालिक थे. उन ममालिक में इंडिया भी था, अफगानिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है बच्चों. अब आपने करना क्या है कि आपने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन है डिफाइन अ रीजन. इसका आंसर है अ रीजन इज एन एरिया ऑफ लैंड डिफाइंड बाय इट्स यूनिक फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फीचर्स. अभी मैंने आपको पैराग्राफ पर समझाया है कि रीजन क्या है. इसका आंसर आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, इनटू हाउ मेनी रीजन्स इज एशिया डिवाइड. इन विच रीजन डज पाकिस्तान लाई. कितने रीजन्स में जो है वो एशिया को डिवाइड किया गया. हमने अभी पढ़ा कि एशिया को हमने 6 रीजन में डिवाइड किया, ठीक है. वो 6 रीजन में हमने पढ़े थे. पाकिस्तान कहाँ पे लाइक कर रहा है? पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में लाइक कर रहा है, ठीक है बच्चों. आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे नोट भी करने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना.